शहर के अजमेर रोड स्थित रिक्को के पास में कैनरा बैंक के एटीएम में गुरुवार अलसुबह करीब 1:30 बजे अज्ञात लोगों ने चोरी का असफल प्रयास किया। हालांकि अज्ञात चोर एटीएम से किसी भी प्रकार की नकदी ले जाने में नाकाम रहे। अज्ञात चोरों ने एटीएम को काटने का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उधर उजाला होने के कारण अज्ञात चोर मौके से भाग छूटे। बताया जा रहा है कि एटीएम में करीब 1,00,000 रुपए की नकदी भरी थी। शातिर चोरों ने एटीएम में प्रवेश करते ही सीसीटीवी कैमरों पर काले रंग का स्प्रे कर दिया ताकि उनकी वारदात कैमरे में कैद ना हो। हालांकि चोरी का असफल प्रयास करते हुए 2 स्कूटी सवार बैंक के कैमरे में कैद हुए हैं। इस संबंध में बैंक प्रबंधन ने सीडी थाना पुलिस में लिखित शिकायत दी है। साथ ही बैंक के उच्चाधिकारियों को भी घटना की जानकारी दी गई है। पुलिस में दी गई लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और अजमेर एफएसएल टीम को सूचित किया। सीडी थाना पुलिस की सूचना पर गुरुवार देर शाम ब्यावर पहुंचे एफएसएल टीम के विकास कुमार प्रजापत ने मौका मुआयना करते हुए मौके से साक्ष्य जुटाए। कैनरा बैंक प्रबंधक गजेंद्र बेनीवाल ने बताया कि गुरुवार सुबह जब वे बैंक गए तो देखा कि एटीएम कक्ष का शटर बंद है। एटीएम कक्ष का शटर बंद होने पर सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पाया कि कैमरों पर काले रंग का स्प्रे किया हुआ है और एटीएम में तोड़फोड़ हो रखी है। बेनीवाल ने बताया कि बैंक के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया गया तो पाया कि एक स्कूटी पर सवार 2 युवक एटीएम कक्ष में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेनीवाल के अनुसार उक्त घटना गुरुवार अलसुबह 1:30 बजे की है। उन्होंने बताया कि जानकारी के बाद सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी गई, साथ ही बैंक के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है। पुलिस शिकायत के बाद अजमेर से आई एफएसएल टीम ने एटीएम कक्ष के भीतर से साक्ष्य भी जुटाए हैं। अब फिलहाल जांच जारी है। तोड़फोड़ की एक घटना हुई है जो कि अज्ञात लोगों के द्वारा की गई है और इसकी जानकारी हमें सुबह 9:30 बजे जब हम ब्रांच पहुंचे तो आगे देखा तो एटीएम के कैमरे के ऊपर काले रंग से स्प्रे किया हुआ था और शटर नीचे किया हुआ था। जब हमने शटर उठा के देखा तो अंदर वाले कैमरे पे भी स्प्रे किया हुआ था और एटीएम को गैस कटर के द्वारा काट के तोड़ फोड़ करके नष्ट किया गया था। और उसके बाद हमने जब कैमरे चेक किए अंदर आके ब्रांच में तो इसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति स्कूटी के ऊपर रात को लगभग 1:30 बजे आके और ये इस वारदात को अंजाम देते हुए देखे गए। और उसके बाद हमने सिटी थाने में इसकी FIR दर्ज करवाई है। तो FIR दर्ज कराने के बाद में पुलिस भी मौके पर आई है और FSL की टीम भी मौके पर आई है और वो आके और उन्होंने पूरा ATM को मौका मुआयना किया है और हमारे इंटरनल सिक्योरिटी भी अभी यहाँ पे मौजूद है और वो ATM का और इसमें से वो कैश लेके जाने में नाकाम रहे।